घटना चल रहा था, आप लोगों का क्या आश्वासन जी? अभी हम लोग लगातार सेंट पीटर्स के विरोध में धरना दे रहे थे, क्योंकि यस आप लोगों के संज्ञान में ये है कि यस कुमार मौर्य जी जो अभी फांसी लगाकर 7th क्लास का बच्चा फांसी लगा लिया था, अपनी जान दे दिया है, उसके विरुद्ध में आज विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य थी। आज बात हुई, मतलब प्रशासन यहाँ आई थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा आई थी, सीओ साहब थी, यहाँ के कोतवाल साहब थे, तो ऐसे उनसे बातचीत हुई है। और कार्यकर्ताओं का जो कहना था कि अभी क्या है कि प्रदर्शन को शांत करना चाहिए, और जो भी उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि विद्या अभी जल्दी से जल्दी जो पिछले 3 दिन के अंदर जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के बाद जो भी निर्णय आता है वो सामने समाज के सामने आएगा। CCTV फुटेज एक विद्यार्थी परिषद की मांग थी कि CCTV जो विद्यालय के अंदर CCTV लगा हुआ है उसका फुटेज यहाँ के समाज के सामने आए, और जो वास्तविकता है यहाँ के डिसूजा और सेंट पीटर्स जो कि क्रिश्चियन कॉलेज है उसका जो वास्तविकता है वो सामने आए। और दूसरा जो विषय था कि यहाँ के परिवारजन जो पीड़ित हैं वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके पिताजी यश के पिताजी अकेला भाई था, यश के पिताजी जो है एक पीड़ित हैं और लगातार गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का एक आग्रह था कि मृतक डोनेशन उनको दिया जाए 1 करोड़ के तौर पर, ऐसा हम लोगों का मांग था, और विद्यालय को करना भी चाहिए वरना फिर हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे। और यहाँ का प्रशासन जो है प्रशासन पुलिस प्रशासन और प्रशासन है उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी। ये सब अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो मैंने बता दिया कि पिछले 3 दिन के बाद उन्होंने कहा 3-4 दिन का एक मौका हमको दे दीजिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हम आपको सामने लाएंगे। और मैंने बताया ही आपको कि अगर नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद बड़े बड़े आंदोलन के लिए बात होगी, जो कि ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद ने मेंशन किया था, आप सभी के सामने भी वो चीज़ हम रखेंगे, वो हम ज्ञापन आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ कक्षा सेंट पीटर्स स्कूल की कक्षा 7 के बच्चे यश कुमार ने सुसाइड किया है, उसी के क्रम में उनके चाचा यहाँ पे आए थे और उनका कहना था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। रोड जाम किया है, क्या कारण? उनकी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध उनको दंडात्मक। क्या रोड जाम करने हाँ देखते हैं उचित कार्रवाई उनके विरुद्ध भी होगी जिन्होंने रोड जाम किया। वैसे जो पीड़ित था वो इधर किनारे बैठा था, बाकी जिन्होंने रोड जाम किया है उनके खिलाफ। मैडम मैडम आपने परिजनों से बात की, क्या निष्कर्ष निकला है? जी परिजन चूँकि ऐसा हादसा हो गया है, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो उनके साथ संवेदना व्यक्त की गई है और उनको ये मैम ABVP के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर और प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए कि इस प्रकार जो है अभी जांच नहीं की जा रही, क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से अभी दिया है? नहीं, उनका ये कहना है कि जांच नहीं की जा रही है, जबकि उन्हें तथ्यों से वो अवगत नहीं है, पुलिस निरंतर लगी हुई है और उनको इससे अवगत कराया गया है तो वो संतुष्ट हुए हैं उससे। स्कूल प्रशासन की तरफ से अब तक क्या निकल कर आया? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो पुलिस कर रही है, हम बस ये कह सकते हैं कि जल्द से जल्द न्यायोचित कार्रवाई की जाए। मैम एक धर्म परिवर्तन को लेकर के आरोप है